औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, थायराइड एक ऐसी बीमारी है, सारे बीमारियों का बादशाह है। कहाँ बादशाह रहता है, उसकी पूरी रियाया वहाँ रहती है। बादशाह जाते ही उसके साथ रियाया चले जाती है। अब बादशाह को ख़त्म करना तो 40 दिन नमक खाने का छोड़ना और 40 दिन चाय काफी हाथ नहीं लगाना और 40 दिन कोस का पत्ता फूल पत्ता हाथ नहीं लगाना और दूसरा ठंडा पानी छीना नहीं, गर्म पानी पका को, और सुबह को मूली का जूस, आधे घंटे के बाद अनार का जूस, शुगर है तो परवाह नहीं, कोई बात नहीं, बेफिक्र पियो अनार का जूस, फिर आधे घंटे के बाद तुलसी का पत्ता और कोत्तीमीर उसका जूस बना को पिलाओ आधे आधे घंटे को, और 40 दिन गोलियां खाना थायराइड के, और 40 दिन के बाद जाको टेस्ट कराओ, नॉर्मल रहता है, और इसके बाद कषाय पीना हमारा, सुबह को एक आधा गिलास, शाम को एक आधा गिलास, शाम को एरंडी का तेल डाल को पीना 2 चमचे, एक दिन एरंडी का तेल, एक दिन नारियल का तेल, एक दिन एरंडी का तेल, एक दिन नारियल का तेल, रात का टाइम, सुबह को वैसा पीना। 40 दिन में जाको देखो कंप्लीट नॉर्मल रहता है, डॉक्टर को पूछ को छोड़ डालो गोलियां, नहीं डॉक्टर अभी दो तीन महीने खाना का तो खिलाओ। अच्छा, थायराइड की बीमारी की आ रही है, कैसा आ रही है, सफेद नमक शक्कर और उजला गुड़, ठंडा पानी असल वजह। आपके घर से इनको सबको तलाक दे आलो, शक्कर के बजाय गुड़, काला या लाल, और नमक सफेद नमक के बजाय काला नमक, खाने में, सालने में, सब में भी, और ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी घर में सबको भी, बड़ा एक स्टील का हंडा गर्म कर लियो, छान को रख डालो, शाम तक पियो, बच्चा सब पिलाओ, इंशाल्लाह किसी को थायराइड नहीं आता। ये थायराइड बढ़ने की वजह ये अच्छी, और दूसरा बैल का गोश्त खाए तो हर जगह सुरेसस की बीमारी फैल रही, खुजली की, चट्टे चट्टांगी, वो आगी तो साले साल जाती नहीं, खुजा 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 को ऐसा मजा मिलता है, लहू लवान हो जाता है, वो नहीं आना को तो खाली एक जरे दिन, एक महीना दो महीना छोड़ो खाने का, उम्र भर के वास्ते न हुए, उसके बाद में खाए तो भी कैसा खाओ, पपड़ अचार की तरह खाओ, गोश्त मच्छी अंडा और तरकारी फ्रूट मजे से खाओ, हमेशा बीमारियां से बचको रहती। और एक बैलेंस बता दूं, सुन लियो, सोने से पहले 2 लौंग एक इलायची चाप के खिलाओ घर में सबको, गर्म पानी पिलाओ, और सुबह को उठे कि नहीं कि 4 काली मिर्ची घर में सबको भी खिलाओ, चाप को खाओ और गर्म पानी पियो, बच्चों को 1 या 2, उम्र देख को 1-2 बच्चों को, इंशाल्लाह ये सारे बीमारियां से बचकर दें, क्योंकि बीमारी आने की वजह क्या, खून गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा होते ही अगर वो पतला नहीं कर लिया खून ने तो घट हो जाता है, घंटियां हो जाती है, कैंसर शुरू हो जाता है। अभी कैंसर नहीं आना तो ये तुम्हारा बैलेंस बता रहा हूं तुम्हें,